खेल है जिंदगी आंख मिचोली का, मजबूरियां छिपी है हर कदम के पीछे, स्वार्थ छिपा है हर सलाम के पीछे। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी की कीमत आपको बताएगी। अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है, जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस कहानी को जानने के बाद आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक बार भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वो रो रहा था और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार। जी हाँ दोस्तों, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह गया, सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले तुम मुझसे एक दर्जन आम ले सकते हो, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले आपको सिर्फ एक दर्जन आम दे सकता हूँ। जिसके बाद वो आदमी थोड़ा और आगे चला और एक सब्जी मंडी में पहुंचा। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर जब वह पहुंचा तो उसने कहा कि यह पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की एवज में मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा कि यानी कि आपकी नजर में इस पत्थर की कीमत एक बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा बिल्कुल। भक्त बोला लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया, वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में। वहां एक आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहां से मिला, तो उस भक्त ने सुनार को सब कुछ बता दिया। सुनार ने अंततः जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जिसके बाद वो भक्त चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। दोस्तों वो कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। इस बात को फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिर में कहा कि तुम इस पत्थर को मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को ही देखता रहता है। उससे पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओगे कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी क्या कीमत बताओगे, ये बेशकीमती है, यह एक बहुत ही मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती हीरा है। इस पूरी दुनिया में जितने भी हीरे हैं ये उन सबसे कीमती है। दोस्तों इसके बाद वो भक्त वापस जाता है और भगवान से कहता है कि अब आप मुझे बताइए कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उससे कहा कि एक फल वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग है, एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, और सुनार के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, और हीरे के व्यापारी के लिए भी इस पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो तुम्हें अवसर मिलेगा जिसे तुम तलाश रहे हो। तो तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अंत में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने में कुछ सहयोग ज़रूर करेगी।
इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, धन्यवाद।